हेलो गाइस, मैं जीएमडी और जीएमआर हम लोग पढ़ रहे थे और इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में किस तरीके से हम जीएमडी और जीएमआर निकालते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, इस लेक्चर का टॉपिक है अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन का जो डायग्राम होगा वो डायग्राम इस तरह का कुछ बनेगा। सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में क्या था, जितने भी कंडक्टर्स थे उनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो सेम था, हमेशा डी डी एंड डी आ रहा था, इक्विलेटरल स्पेसिंग था हमारे पास। बट यहाँ देखिए, यहाँ अगर मैं नंबरिंग दूँ, ये कंडक्टर ए है या फेज ए का कंडक्टर, ये फेज बी का कंडक्टर और ये फेज सी का कंडक्टर है, तो ए और बी फेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक्स है और बी और सी फेज की जो डिस्टेंस है वो वाई है और ए और सी फेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो जेड है। यानी कि किसी भी दो कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं है, यानी कि सारे कंडक्टर्स के बीच की डिस्टेंस सेम नहीं है, सारे डी डी एक दूसरे से डी डिस्टेंस पे या किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पे नहीं है। ए ए से बी एक्स डिस्टेंस पे है, ए से सी जो है वो जेड डिस्टेंस पे है और बी से सी जो है वो वाई डिस्टेंस पे है। इस तरह के जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये कंडक्टर ए है, ये कंडक्टर बी है और ये कंडक्टर सी है। ठीक है ना, ये तीन कंडक्टर्स रखे हुए हैं, कंडक्टर ए, कंडक्टर बी एंड कंडक्टर सी, इस तरीके से रखे हुए हैं और इन तीनों के बीच के जो डिस्टेंस होंगी वो अलग अलग होंगी। इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलेंगे हम, अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। इसी बात को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई एंड इज नॉट इक्वल टू जेड। अगर मैं जीएमआर की बात करूं तो जीएमआर ऑफ ए जो होगा वही जीएमआर ऑफ बी होगा, बिकॉज यहां पे मैंने तीनों कंडक्टर की जो साइज है हमने सेम ली हुई है, वही जीएमआर ऑफ सी फेज होगा, यानी इक्वल टू आर डैश, या जो भी मैंने जो सिंबल वहां दिया हुआ है आर डैश, इस तरीके से। बट अगर जीएमडी की बात करें और जीएमआर ऑफ ए, जीएमआर ऑफ बी, जीएमआर ऑफ सी और या फिर जीएमआर ऑफ सिस्टम की भी बात करें तो सेम आएगा, बिकॉज आपने देखा था पिछले लेक्चर में किस तरीके से ये सारी चीज़ें अगर सेम हैं तो जीएमआर ऑफ सिस्टम भी सेम आता है। बट जीएमडी ऑफ ए की अगर बात करें, जीएमडी ऑफ फेज ए अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस ऑफ फेज ए, यानी कि ए फेज से, ए फेज का जो कंडक्टर है उसकी दूरी बी फेज से और उसकी दूरी सी फेज से लेनी है हमें और उनका ज्योमेट्रिकल मीन लेना है। तो अगर मैं बात करूं तो हमें स्क्वायर रूट यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे बी से एक डिस्टेंस लेनी है और एक सी से एक डिस्टेंस लेनी है ए की, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू जेड आएगा, बिकॉज बी से ए की दूरी एक्स है और सी से ए की दूरी जो है वो जेड है। सिमिलरली अगर मैं जीएमडी ऑफ बी की बात करूँ, जीएमडी ऑफ बी भी सिमिलरली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जीएमडी बी की डिस्टेंस ए से और बी का डिस्टेंस वाई से, एक्स इंटू वाई। और जीएमडी ऑफ सी की अगर मैं बात करूं, जीएमडी ऑफ सी, तो जीएमडी ऑफ सी जो आएगा वो आएगा रूट अंडर सी की डिस्टेंस वाई से और सी की डिस्टेंस ए से, सी का डिस्टेंस बी से और सी का डिस्टेंस ए से, तो सी का डिस्टेंस बी से वाई है और सी का डिस्टेंस ए से एक्स है, जेड है। तो ये यानी कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जीएमडी ऑफ ए भी अलग है, जीएमडी ऑफ बी भी अलग है और जीएमडी ऑफ सी भी डिफरेंट है। ठीक है ना, तो अगर हम जीएमडी ऑफ सिस्टम की हम बात करेंगे, जीएमडी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू, अगर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे हम, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ दीज इंडिविजुअल जीएमडीज, जीएमडी ऑफ ए इंटू जीएमडी ऑफ बी इंटू जीएमडी ऑफ सी, हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और इन सारी वैल्यूज़ को जब आप पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, यानी कि इस तरीके से क्यूब रूट आपने यहाँ लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू जेड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई इंटू जेड, इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा जीएमडी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू, जीएमडी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ये इंपॉर्टेंट है, ये ओवरऑल समरी आपको याद रखना है कि अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में जो जीएमडी होता है वो तीनों डिस्टेंसेस का एक्स वाई और जेड का ज्योमेट्रिकल मीन होता है। क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीन होता है, ये इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे ओवरऑल समरी की अगर हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन जीएमडी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीएमडी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीएमडी ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू जीएमआर जीएमडी ऑफ द सिस्टम, जीएमडी ऑफ द सिस्टम ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन जीएमडी ऑफ ए इज इक्वल टू जीएमडी ऑफ बी था और जीएमडी ऑफ बी इज इक्वल टू जीएमडी ऑफ सी था, यानी कि तीनों फेजेस के जो जीएमडीज थे इंडिविजुअल वो सिस्टम के जीएमडी के इक्वल था। बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन जो जीएमडी इंडिविजुअल फेजेस के जो जीएमडीज हैं वो डिफरेंट हैं और सिस्टम का जीएमडी जो है वो भी डिफरेंट है। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ, अगर मुझे इंडक्टेंस पर फेज की बात करनी है, अगर मैं ए फेज का इंडक्टेंस लिखना चाहता हूँ तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, 2 × 10⁻⁷ ln GMD ऑफ फेज ए डिवाइडेड बाय GMR ऑफ फेज ए, ठीक है ना। ये एक बेसिक फॉर्मूला है किसी पार्टिकुलर फेज का इंडक्टेंस लिखने का, ये बेसिक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। अगर यही बात अगर मैं बोलूँ सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में तो हमने क्या देखा था, एल ए एल बी एल सी, यानी कि इंडक्टेंस ऑफ जीएमडी ऑफ ए जीएमडी ऑफ बी जीएमडी ऑफ सी तीनों सेम है, यानी कि इंडक्टेंस ऑफ ए फेज इंडक्टेंस ऑफ बी फेज इंडक्टेंस ऑफ सी फेज सेम होगा और सिस्टम का भी वही होगा बिकॉज उस सिस्टम का भी जीएमडी और जीएमआर क्या है सेम आ रहा है। बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग आप बताइए, जब आप इंडक्टेंस ऑफ बी लिखेंगे तो आप जीएमडी ऑफ बी लिखेंगे और जीएमआर ऑफ बी लिखेंगे, जीएमआर ऑफ ए जीएमआर ऑफ बी एंड जीएमआर ऑफ सी तो सेम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीएमआर ऑफ ए जीएमआर ऑफ बी जीएमआर ऑफ सी जो है सिस्टम के जीएमआर के इक्वल है। बट अगर जीएमडी की हम बात करें, जीएमडी की अगर हम बात करें जीएमडी हम बोल सकते हैं जीएमडी डिफरेंट है, तो अगर यहां पे पुट करेंगे तो एलबी जो होगा वो डिफरेंट आएगा, एलबी इज नॉट इक्वल टू एलए एंड इट इज नॉट इक्वल टू LC, यानी डिफरेंट फेजेस के जो इंडक्टेंस होंगे वो डिफरेंट होगा, ठीक है ना। चूंकि GMDs क्या हैं, GMDs आर अनइक्वल, इक्वल नहीं है। अच्छा, अगर इंडक्टेंस अलग अलग है तो हम बोल सकते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगा तीनों फेजेस का वो अलग अलग होगा, एक्स ए इज नॉट इक्वल टू एक्स बी इज नॉट इक्वल टू एक्स सी, हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस अलग अलग है तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा, वोल्टेज ड्रॉप बिकॉज जो ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप है वो दो वजह से, एक रेसिस्टेंस की वजह से और एक इंडक्टेंस की वजह से, तो अगर इंडक्टेंस डिफरेंट है तीनों फेजेज में तो तीनों फेजेज में जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे, वोल्टेज ड्रॉप्स आर अनइक्वल, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो क्या होगा, अनइक्वल होगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप अनइक्वल है तो ट्रांसमिशन लाइन के एंड पर यानी कि रिसीविंग एंड पर जो आपको वोल्टेज मिलेगा वो अनबैलेंस वोल्टेज मिलेगा, तीनों केसेस में अलग अलग वोल्टेजेस होंगे बिकॉज वोल्टेज ड्रॉप क्या है, अलग अलग है। तो वोल्टेज एट रिसीविंग एंड will be unbalanced, ये important conclusion है यहाँ से। But तो overall मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ से conclusion ये बता सकता हूँ आपको कि unsymmetrical configuration में जो receiving end voltage जो आप achieve करेंगे वो unbalanced होगा, अगर आप transposing वगैरह use नहीं करते हैं तो, ठीक है ना। आप मैं normal case की बात करूँ, अगर आप transposition वगैरह use कर लेंगे तो उसको भी आप balance कर सकते हैं, no doubt। But symmetrical configuration में transposition की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर बिना transposition के ही जो आपका sending receiving end जो voltage है वो क्या होगा, वो बैलेंस होगा बिकॉज सारे फेजेस के इंडक्टेंस क्या है, एल ए एल बी और एल सी क्या है, सेम है, ठीक है ना। बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग चूंकि फेजेस के इंडक्टेंस अलग अलग हैं
तो जो रिसीविंग एंड पे जो आपको वोल्टेज मिलेगा या ट्रांसमिशन लाइन के एंड पे जो आपको वोल्टेज मिलेगा वो अनबैलेंस्ड मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। तो ओवरऑल आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के केस में जो जीएमडी होता है, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बनाया था, जीएमडी जो होता है वो होता है, जीएमडी ऑफ सिस्टम जो होता है वो किसी भी एक फेज के जीएमडी को आप निकाल लेंगे। जीएमडी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू जीएमडी ऑफ ए इज इक्वल टू जीएमडी ऑफ बी इज इक्वल टू जीएमडी ऑफ सी। बट अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के केस में जीएमडी ऑफ द सिस्टम जो होगा, जीएमडी ऑफ सिस्टम इज क्यूब रूट ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन का एक एग्जाम्पल लूँ, सपोज तीन कंडक्टर्स हैं, अनसिमेट्रिकली स्पेस्ड हैं, ये फोर है, इनके बीच के डिस्टेंस थ्री है, तो ऑब्वियसली बात ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, सेवन हो गया। तो अगर मैं जीएमडी ऑफ सिस्टम की बात करूंगा, जीएमडी ऑफ सिस्टम इसके लिए अगर मुझे निकालना है तो हमें इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा इसको, क्यूब रूट ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू जेड, सेवन इज दी जेड। ओके, तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो आपका जीएमडी आ जाएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।